हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे फुल बॉडी वर्कआउट और बैक एंड बाइसेप के फॉर्म एंड टेक्निक। तो ही शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्कआउट है स्क्वाट्स, जिसके आपको 12 से 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स करने हैं। इसका फॉर्म एंड टेक्निक का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। इसमें आपको स्लो डाउन जाना है, ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन ऊपर आने के बाद करना है। इसके बाद आपको करना है लंजेस, 12 से 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स एक लेग के ऊपर कुछ इस तरीके से। फिर दूसरे पैर के ऊपर सेम 12 से 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स। आपको ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करना है हर सेट के बाद, या फिर रेपिटेशन इंक्रीज करना है। इसके बाद आपको करना है काफ प्रेस, जिसके आपको 3 सेट्स करने हैं, 20 काउंट्स के 3 सेट्स। ऊपर आने के बाद ब्रीद आउट करना है, इजी एंड स्लो मूवमेंट, ऊपर फास्ट जाना है, नीचे कंट्रोल में आना है। इसके बाद आपको करना है लेग कर्ल, जिसमें आपको लाइट वेट रखना है और फोकस करना है मूवमेंट के ऊपर। इसके आपको 15 रेपिटेशन करने हैं और 3 सेट्स, 4 सेट्स भी किए तो भी चलेगा। इसके बाद आपको करना है सीटेड रोइंग कुछ इस तरीके से, एल्बो स्ट्रेट करना है, फिर पीछे की तरफ पुल करना है, वेट मॉडरेट रखना है, फोकस करना है मूवमेंट के ऊपर, लैट्स के ऊपर फोकस करना है। हाथ पास में आने के बाद ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन करना है, इजी एंड स्लो मूवमेंट, कंटिन्यू टेंशन रखना है लैट्स के ऊपर। आगे जाने के बाद रिलैक्स नहीं होना चाहिए मसल्स। इसके आपको 12 से 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स करने हैं। उसके बाद लैट पुल डाउन, तो आपको पूरा एल्बो एक्सटेंड करना है ऊपर की तरफ, स्ट्रेट करना है, फिर नीचे खींचना है। नीचे खींचने के बाद ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन करना है, ऊपर स्लो जाएगा, नीचे थोड़ा फास्ट आएगा कंट्रोल मूवमेंट पे। इसमें भी आपको लैट्स को टारगेट करना है, फोकस करना है मूवमेंट के ऊपर, लैट्स के ऊपर, वेट लाइट रखना है या फिर मॉडरेट रखना है। 12 से 15 रेपिटेशन और 3 सेट्स। इसके बाद आपको करना है चेस्ट प्रेस, जिसके आपको 3 सेट्स करने हैं, 12 से 15 रेपिटेशन। हर सेट में आपको वेट इंक्रीज करते जाना है, चेस्ट के ऊपर फोकस करना है। हाथ सीधे होने के बाद ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन करना है, मूवमेंट पे फोकस करो, स्लो डाउन एंड पुश। हाथ सीधे होने के बाद ब्रीद आउट करना है। इसके बाद हमारा वर्कआउट है बारबेल के ऊपर बाइसेप कर्ल्स, तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगी। मिनिमम मूवमेंट करने आपको शोल्डर्स में, मैक्सिमम एल्बो में मूवमेंट होगी। ऊपर आने के बाद ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन करना है, स्लो नीचे छोड़ना है, 5 4 3 2 1 इस तरीके से। ऊपर आने के बाद ब्रीद आउट, कंट्रोल मूवमेंट करना है नीचे जाते हुए। इसके बाद आपको करना है हैमर कर्ल्स, तो हैमर कर्ल में कुछ इस तरीके से आपको मूवमेंट करनी है। डंबल की ग्रिप चेंज करनी है आपको, स्ट्रेट पकड़ना है डंबल्स को। इसके आपको 12 से 15 रेपिटेशन के 2 सेट्स करने हैं। हाथ ऊपर आने के बाद ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन करना है, शोल्डर में मिनिमम मूवमेंट रहेगी, मैक्सिमम मूवमेंट आपके एल्बो से होगी। नीचे जाते वक्त स्लो डाउन, ऊपर आते वक्त थोड़ा फास्ट उठाना है। इसके बाद आपको करना है बाइसेप डंबल कर्ल्स। अगर आपके पास बारबेल नहीं है तो आप डंबल्स के ऊपर एक वर्कआउट कर सकते हो। इसके आपको करने 12 से 15 रेपिटेशन और 2 सेट्स, इजी एंड स्लो मूवमेंट। बाकी सब फॉर्म एंड टेक्निक सेम रहेगी, शोल्डर में मिनिमम मूवमेंट करनी है, एल्बो में मैक्सिमम मूवमेंट करनी है। ऊपर आने के बाद ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन करना है, 12 से 15 रेपिटेशन करने और 3 to 4 सेट्स किया तो बेटर रहेगा। इसके बाद आपको करना है ट्राइसेप एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से। इसके आपको 12 से 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स करने हैं, इजी एंड स्लो मूवमेंट। हाथ ऊपर आने के बाद ब्रीद आउट, ट्राइसेप के ऊपर फोकस करना है। तो यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा फुल बॉडी वर्कआउट और बैक एंड बाइसेप के फॉर्म एंड टेक्निक। हमारा अगला वर्कआउट वीडियो आएगा 11 जनवरी को, जिसमें हम सीखेंगे फुल बॉडी वर्कआउट विद डंबल्स। तब तक के लिए जय शिवराय।